कराची वसीम अख्तर ने कहा कि एम्प्रेस मार्केट के अंदरूनी अहाते में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जा रही। बजट के बाद तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में एम्प्रेस मार्केट के वफ्द से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, स्टेट कमेटी के चेयरमैन नासिर तैमूरी और स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। तंजीम नौ बिरादरान कुरैशी सदर के सरपरस्त सिराजुद्दीन कुरैशी की क्यादत में वफ्द ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तरक्याती काम जारी है। सदर में एम्प्रेस मार्केट के अतराफ एक खूबसूरत पार्क तामीर होगा। उन्होंने कहा कि अपने किरायेदारों के हकूक का हर हाल में ख्याल रखा जाएगा, मगर जो असल अलॉटी हैं उन्हीं को अहमियत दी जाएगी। जिन लोगों ने दुकानों को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया उनसे कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किराया नहीं दिया और दुकान का एग्रीमेंट मंसूख हो गया, कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही उनको दुकान दी जाएगी।